HR News YouTube चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। हम इस वक्त खड़े हैं रेवाड़ी के हिंदू हाई स्कूल में, बूथ नंबर 172। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिलाएं काफी संख्या में मतदान के लिए आई हुई है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के पर्व में अपनी पूरी भागीदारी निभा रही हैं। एक बार महिलाओं से भी इन्हीं से बात करते हैं। ये मतदान के लिए आप पीछे देख सकते हैं, पुरुष भी है, महिलाएं भी है, काफी लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह सुबह का वक्त है, कहा जाए चाय नाश्ते का वक्त था, और सबसे पहले इन्होंने अपने जो है वोट को अपना सबसे बड़ा अधिकार माना और वोट डालने के लिए घरों से निकले हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह लोगों में देखा जा रहा है मतदान को लेकर के, कि किस तरीके से महिलाओं में उत्साह है। एक बार उन्हीं से बात करते हैं। मैम, आप मतदान करने आई हैं, कितना उत्साह? पहली बार कर रहे हैं मतदान या इससे पहले? बहुत टाइम हो गया। कैसा, कितना उत्साह आप लोगों में है मतदान? लोकतंत्र का पर्व है मैम, क्या कहेंगे आप मतदान के लिए आए हैं? कितने आप कुछ बोलेंगे मतदान के लिए आए हैं? ये हमारा हक है, हम पहली बार इसको वोट करें तो हमारा हक खत्म जरूर करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये अपना हक मानते हैं, अधिकार मानते हैं, और एक बड़ी बात है कि इन्होंने साफ तौर पर माना इस चीज को। मैम, आप मतदान करने आई है, महिला है, भाजपा से भी आप जुड़ी हुई है, सुबह सुबह का वक्त है, सबसे पहले मतदान को आप लोगों ने महत्व दिया, क्या कहेंगे? लोकतंत्र का पर्व है। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और भारत की नागरिक होने के नाते मैं अपना कर्तव्य का यहाँ पर वहन करने के लिए आई हूँ और देश हित के लिए हम लोग मतदान करते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे मतदान के लिए आए हैं, कितना उत्साह आप लोगों में है? काफी उत्साह है, अच्छा लग रहा है। तो हमारे साथ लोग भी हैं जो जिनकी लाइन अलग से लगी हुई है, दो लाइन यहाँ लगी हुई है, एक मिनट उनसे भी बात करते हैं कि ये कितना उत्साह इन लोगों में है। कहीं ना कहीं मतदान के लिए जो है बड़ा ही लंबी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। आप एक बार बताएंगे मतदान के लिए आए हैं पोखरी जी, कितना उत्साह आप लोगों में? बहुत खुशी हो रही है, देश के लिए मतदान होने जा रहा है, बहुत खुशी है मतदान। तो देखिए कहीं ना कहीं आप बताएंगे क्या, कितना उत्साह आप लोगों में है? मतदान है देश के विकास की भागीदारी में, सबको बढ़ चढ़ के प्रसाद देना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र का पर्व मान रहे हैं लोग बिल्कुल, और वाकई लोकतंत्र का पर्व है आज। कहीं ना कहीं जो है मतदान है, और मतदान में जितने खुशी, जितनी लंबी लाइन लगी हुई है, लोगों में कहीं ना कहीं बेहद उत्साह है। और हम लोगों से बात करते हैं कि वो मतदान को लेकर किस तरीके से, जनाब आप मतदान करने आए, सुबह सुबह का वक्त है, कितना उत्साह आप लोगों में है मतदान को? काफी उत्साह है, काफी उत्साह। क्या क्या मुद्दे आप लोग लेके चल रहे, क्या सोच रहे, क्या हो विकास, कुछ नई सोच, क्या सोच लेकर के आप? विकास ही मुद्दा है जनाब, आप बताएंगे मतदान आप करने आए, सुबह सुबह का वक्त है। ये तो हमारा कर्तव्य है, इसको ये तो हमें करना ही चाहिए। हमारा तो पहला पहली बार डाल रहे हैं, पहली बार आप मतदान करने आए हैं? बिल्कुल, मतदान करने हैं, रात से सोच रखा है। तो देखिए कहीं ना कहीं पूरा उत्साह है और मानना है लोगों का कि मतदान करना चाहिए और हर हाल में करना चाहिए, उनका अधिकार भी है। यही वजह है कि सुबह सुबह आप देख सकते हैं किस तरीके से मॉर्निंग वॉक का समय होता है या चाय नाश्ते का, घरों से निकलने का वक्त होता है, तो सुबह सुबह जो लाइन में लगे हैं लोग आकर के अपने आप में दर्शाता है कहीं ना कहीं मतदान को लेकर के लोगों में पूरी जागरूकता आई है और वो अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं। मोहनलाल, HR News चैनल।